हेलो दोस्तों, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन। बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे कि सर इमेज फॉर्मेशन का एक वीडियो बना दीजिए, बना दीजिए, बना दीजिए। आज बना ही देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर दोनों की इमेज फॉर्मेशन की यहाँ बात करने वाले हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन हम लोग। तो अब देखिए, कॉनकेव मिरर की जब आप बात करोगे, कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो कुछ रूल्स हैं। चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, चाहे हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, कुछ रूल्स हैं। बेसिकली चार रूल्स होते हैं, ठीक है। तीन हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। उससे ही सारे इमेज फॉर्मेशन हमारे क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे जो भी यहाँ। ओके ठीक है, फिर स्टार्ट करें। तो देखिए, पहले सब कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। देखिए इसके भी अपने चार रूल्स हैं। कौन कौन से हैं, देखिए पहला क्या है रूल वन। रूल वन हमारा ये है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, अगर कोई लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से पास होगी। ये पॉइंट पे हमारा क्या है, फोकस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से पास होगी, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, अगर फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो रहा है बेसिकली, आर पार नहीं जाएगी, इससे टकराएगी, टकरा के क्या होगी, वापस आएगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, मतलब जिस तरह से आई है, जिस तरफ से आई है उसी तरफ को ये बाउंस बैक होगी। फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आ रही है तो क्या होगा, ये फोकस से पास होगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की वजह। ओके थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास हो रही है, जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, वो बाउंस बैक हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जब ये हमारा रे जो होता है ना मिरर पे गिरता है, तो यहाँ एंगल कितने डिग्री का बनता है दोस्त, 90। जब कोई लाइट रे किसी मिरर पे, किसी सरफेस पे 90 डिग्री एंगल पे गिरेगी, और स्मूथ सरफेस होगा, तो लाइट रे क्या होगी, जस्ट क्या हो जाएगी, जिस डायरेक्शन से आई है सेम पाथ से, सेम उसी आपके जो भी वे होगा उसी से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक मिरर के केस। ये है फोर्थ रूल हमारा, ये कह रहा है। इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन में बहुत खास यूज है नहीं, इमेज फॉर्मेशन में फोर्थ रूल का कुछ खास यूज है नहीं, लेकिन फिर भी इसको हमने लिख रखा है यहाँ पर। हमने देखा है इसमें क्या है कि जब कोई लाइट रे, जानते हैं कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपने पढ़ा होना जिस एंगल पे लाइट रे हमारी इंसिडेंट होती है उसी एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। का कुछ खास यूज नहीं है इमेज फॉर्मेशन में, लेकिन रूल ये भी है तो हमने लिखा। तो भैया तो रूल तीन हमें बेसिकली याद रखने हैं। पहला क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाएगी तो फोकस से पास होगी। दूसरा क्या है, फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो जाएगी। तीसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई लाइट रे पास होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, बाउंस बैक भी। जब भी हम किसी इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो स्टार्टिंग के थ्री रूल्स में से कोई टू रूल्स हम यूज करेंगे हमेशा, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम टू रेज की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम दो रेज ऑफ लाइट चाहिए हमें। तो इन तीन में से कोई दो रूल हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हमेशा। बस ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिए, इमेज फॉर्मेशन आपको आज एज सिंपल है। ओके डन, चलें फिर स्टार्ट करें। देखिए इसमें समझते हैं क्या क्या है, कंडीशंस जो भी हैं एक एक करके समझते हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या है, इसमें फर्स्ट कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड व्हाट सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। देखो एक रिलेशन आपको याद है, एक रिलेशन आपको याद होगा कि फोकल लेंथ, और अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन की बात करेंगे तो फोकल लेंथ क्या होता है हमारा, बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है, 2f के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम सी पे है ना, तो सी हमारा बेसिकली क्या है, आर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमारा क्या होता है, आर। ये आर का मतलब क्या है दोस्त, 2f। तो ये 2f डिस्टेंस हो गई हमारी बेसिकली, इसका मतलब अब मैं 2f के पीछे हूँ, और इधर क्या होगा हमारा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी और 2f के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट हमारा है, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, या बियॉन्ड 2f है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। अब देखो क्या होगी, दो रे हमें यहाँ से निकालनी है। पहली रे क्या जा रही है हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, हमने पढ़ा भी, फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से पास हो गई। ओके डन। दूसरी लाइट रे हमारी कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो जानते हैं ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, फिर बाउंस बैक हो जाएगी। ये दोनों रेज, ये जो लाइट रे यहाँ से आ रही है और ये जो जा रही है, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे उस आदमी का या उस ऑब्जेक्ट का क्या मिलेगा, हमें इमेज मिलेगा। अब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ खड़ा हुआ है तो उसकी इमेज क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मिलेगी, लेकिन नीचे के डायरेक्शन में मिलेगी हमें, प्रिंसिपल एक्सिस किस पॉइंट पे, नीचे के डायरेक्शन में मिलेगी इधर। तो जब इमेज इस तरह की बनती है ना,
मतलब ऑब्जेक्ट इस तरह सीधे रखा हुआ है, इमेज जैसे आपकी उल्टी बन रही है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ये इमेज हमारी क्या है, इन्वर्टेड। शायद हमने इसकी फीचर्स लगाए होंगे, प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे क्या है, ठीक है ठीक है, नहीं लिखे हैं तो हम बता देते हैं भाई। देखिए इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, ये इमेज हमारी क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड है हमारी इमेज। इन्वर्टेड के साथ साथ इसकी पोजीशन कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। और कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर में मोस्ट ऑफ द केसेस में केवल एक केस जब आपका ऑब्जेक्ट यहां फोकस और पोल के बीच में हो, बाकी हर केस में कॉनकेव मिरर में आपको क्या होगा, रियल इमेज ही मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल और क्या मिलेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, उल्टा होने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलेगी, ये वाली केस होती जो, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ बड़ा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या है, साइज छोटा है, तो इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज। जब छोटा साइज बनता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिमिनिश्ड इमेज। इमेज हमारी क्या है, डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, और क्या है, रियल है। केवल ये तीन बातें हमें जाननी होती है, रियल है, और पोजिशन देखनी होती है कि कहाँ ये बन रही है। तो पोजिशन कहाँ है इसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। दूसरा क्या है, डिमिनिश्ड इमेज है, मतलब छोटी बन रही है साइज में, ऑब्जेक्ट की साइज के हिसाब से क्या है, ये छोटी साइज का है। और इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा बन रही है, और रियल का मतलब एक्चुअल में, सच में ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, मीट कर रही होंगी, इसलिए रियल इमेज बने। ओके, ये बात हो गई, पहली बात समझ में आ गई अपनी, ठीक है। अब हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, ये 2f डिस्टेंस है हमारी, क्योंकि ये r है रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से, और r हमारा 2f के इक्वल होता है, इसका मतलब बियॉन्ड 2f वाला ही केस है ये, मतलब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड c हम कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, बियॉन्ड 2f कहते हैं, बात एक ही है ये, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना अपने को। ओके ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं, अगले केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे ही हो, सी का मतलब क्या है, एट 2f ही हो, मान लीजिए 2f पे ही ऑब्जेक्ट है हमारा, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो दो लाइट रेस यहां भी निकाल ली है। एक लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, देखो फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट रे क्या होगी, अब चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा सी पे ही खड़ा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे नहीं जाएगी। अब लाइट रे को कहां से पास कराना है, फोकस से। अब याद करो हमने कहा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास आउट होगा, और फोकस से पास आउट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये तो था, हमने तेरा रूल यही तो बताया था हमने, ये फर्स्ट वाला रूल है, और ये वाला क्या है, थर्ड वाला आपका सेकंड वाला रूल है। थर्ड वाले में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का था, सेकंड रूल है आपका। तो ये लाइट रे इधर से आ रही है रिफ्लेक्ट होकर, ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वही इमेज मिलेगी। अब देखो सी पे ही ऑब्जेक्ट खड़ा था और सी पे ही इसकी इमेज बन गई, एकदम नीचे, एकदम नीचे, जस्ट जस्ट उसके नीचे, जहाँ पर इसका पैर था वहीं से दूसरे इमेज का भी इसका पैर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इमेज रियल होगी क्योंकि सच में लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, मीट कर रही है। दूसरा रियल हो गया, तीसरा क्या, इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टा बन रहा है, और क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी उसी साइज की हमें इमेज मिल जाएगी, सेम साइज। सेम साइज का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट की साइज यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर इमेज की साइज भी कितनी हो जाएगी दोस्त, 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। रियल क्यों, क्योंकि सच में इंटरसेक्ट कर रही, इमेज कर रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज का बन रहा है, और सी पे ही बन रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सी पे मतलब 2f पर ही मिल रहा है। तो 2f पे ऑब्जेक्ट होगा तो 2f पे ही इमेज मिलेगी, मतलब सी पे है तो सी पे ही मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी, और सेम साइज की मिलेगी। एकमात्र इकलौता केस है जिसमें लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं होगी, बाकी हर केस में लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस से पास होगी ही होगी। एकमात्र केस जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं हो रही, और एकमात्र यही है जब ऑब्जेक्ट खुद कहाँ पर हो, सी पे। ऑब्वियस बात है जब खुद ही सी पे है तो सी से कहाँ जाएगा, ठीक है भैया, डन। और ये भी एकमात्र केस है कि दोनों लाइट रे फोकस से ही आ रही है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है भैया, याद रखना है। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का मिलेगा, और सी पे ही मिलेगा, सेम साइज का ही इमेज हमें। ओके डन, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है इसमें देखिए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब क्या है, फोकस। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाइट रे हो, फिर से वही रूल लगाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, फोकस से निकलेगी, फिर क्या होगी, यहाँ से लाइट रे जाएगी, क्या हो गई, बाउंस बैक होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। अब इस केस में क्या है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, लेकिन इमेज हमें कहाँ मिल रही है, इसकी सी के पीछे, और रियल तो है ही क्योंकि सच में मिल रही है यहाँ पर, इन्वर्टेड भी है, नीचे मिलेगी, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज ये है, यहाँ पर साइज इसकी ये बन रही है, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा इमेज मिल रहा है,
बड़ा इमेज होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए समथिंग कुछ एग्जांपल से समझा कर ये 10 सेंटीमीटर है, ये अप्रोक्स मान लीजिए 25 सेंटीमीटर हाइट की इमेज हमें यहां पर मिल रही है, मैग्नीफाइड इमेज, समझ ना, बड़ा इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट की साइज के रिस्पेक्ट में इसकी साइज, इमेज की साइज क्या है, बड़ी है, बोलते हैं उसको मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड बहुत कॉमन है ये लिखते हैं, ठीक है। और बियॉन्ड क्या है, ये सी है, सी के पीछे बन रही है, बियॉन्ड व्हाट, सी, सी का मतलब क्या, वही 2f, 2f के पीछे बन रही है। अब इसके बाद इन्फिनिटी आ जाता है, या कभी कभी ये ऑप्शन में लिखा रहे कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो आप सही मानिएगा, क्योंकि इधर क्या है इन्फिनिटी हो गई हमारी डिस्टेंस, ये क्या है सी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, बिटवीन सी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, ये भी ठीक है क्योंकि सी का मतलब ये क्या है 2f, 2f डिस्टेंस है बेसिकली, फोकल लेंथ का जस्ट डबल कर दिया, सी क्या है एक पॉइंट है, 2f का मतलब क्या है एक लेंथ है, फोकल लेंथ का डबल कर दिया, कोई अंतर नहीं कितने भी तरीके से इसको कहा जा सकता, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो रियल इन्वर्टेड और क्या है मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, और कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है, या 2f के पीछे बन रही है। ओके चले आगे बढ़े, अगला देखते हैं केस क्या है। इस केस में क्या है रियल, देखो अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, f पे ही आ गया, फोकस पे ही आ गया ऑब्जेक्ट, अगर हमारा फोकस पे आ गया तो देखो इस केस में लाइट रे आपकी फोकस से जा रही है, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, फिर क्या होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो रही है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट सी पे था तो सी से लाइट नहीं जा रही थी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन फोकस पे है तो फोकस से जा रही है, देख रहे हो ना, फिर यहाँ पे लाइट रे क्या हो गई, गई इससे क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास, अब लाइट रे एकदम पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है, यहाँ हमें नहीं लग रहा है कि कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे एक दूसरे को कहीं मिल रही होंगी, इन्फिनिटी का मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, बहुत दूरी पे कहीं दूसरे से मिल रही होंगी, ये रियल दिख रहा है। अब देखो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं, ये यहाँ से इसका गैप बढ़ता जा रहा है कि नहीं, देखिए गैप ये बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इमेज की जो हाइट है, इमेज की जो साइज है, वो क्या होती जा रही है हमारी, बढ़ती जा रही है। अब इन्फिनिटी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत बढ़ता जाएगा गैप, मतलब इमेज की साइज बहुत बढ़ती जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको रियल बोल रहे हैं, इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत ज्यादा क्या होगा, ये बड़ी इनलार्ज इमेज मिलेगी हमें, बहुत बड़ी इमेज मिलेगी, हाईली मैग्नीफाइड इसीलिए लिखा जा रहा है। और इमेज एट व्हाट, इन्फिनिटी, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इन्फिनिटी भी मिल रही है, लेकिन ये लाइट यहाँ से क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी, कब है, जब फोकस पे हो, अपोजिट भी ध्यान रखना, अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, अब फोकस पे है तो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी, हालांकि वो केस नहीं है लेकिन ये ध्यान रखना, फोकस पे है तो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी भी बनेगी, क्या होगा ये, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, अलग केस है ये। फिर अगले केस में आते हैं हम, देखें देखो अब ऑब्जेक्ट कहाँ हमारा आ गया, फोकस और पोल के बीच में है, यही एकमात्र केस है कॉनकेव मिरर में जब आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, बाकी हर केस में आपको क्या मिलेगी, रियल इमेज ही मिलेगी और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज। अब यहाँ देखो क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और फोकल पोल के बीच में है, तो लाइट रे क्या होगा, देखो अभी तो पैरेलल जा रही है, फोकस से पास होगी, दूसरे क्या होगी, इससे होगी, आगे निकल जाएगी, वर्चुअली इनको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कहीं मीट करेंगे, फिर पीछे बढ़ाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल जा रहा है, क्योंकि लाइट रे कॉनकेव मिरर को आर पार तो नहीं जाएगी ना, इसको पेनिट्रेट तो नहीं करेगी, अक्रॉस द मिरर तो नहीं जाएगी, लेकिन हम वर्चुअली इसको आगे बढ़ाते हैं एज्यूम करके, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए हमें लगता है, यहां पर हम एज्यूम करते हैं यहीं पर इसकी क्या बन रही इमेज। अभी देखो क्या है, ऑब्जेक्ट भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, जब सेम प्रिंसिपल एक्सिस के सेम डायरेक्शन में इमेज ऑब्जेक्ट दोनों हो तो उसको बोलते हैं इरेक्टेड, इरेक्टेड बोलेंगे या अपराइट बोलेंगे, इरेक्टेड बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे हमें, अपराइट बोलेंगे, इरेक्टेड बोलेंगे या क्या बोलेंगे, अपराइट बोलेंगे, इरेक्टेड है। अब वर्चुअल क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं मिरर के आर पार तो लाइट नहीं जाएगी ना, वर्चुअली हमने इसको एक्सटेंड किया है, आगे बढ़ाया है, ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्ट, और देखो यहाँ ऑब्जेक्ट की साइज ये है और यहाँ पर इमेज की साइज ये है, बड़ी है कि छोटी है, बड़ी दिख रही ना इमेज, इससे क्या हो गया ये मैग्नीफाइड और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, एकमात्र ऐसा केस है जहां पर आपको वर्चुअल इमेज और इरेक्टेड होगी, बिहाइंड द मिरर होगा लेकिन मैग्नीफाइड होगा, ये ध्यान रखना, बाकी हर केस में रियल इन्वर्टेड मिलेगा। ओके डन, ठीक है, कॉनकेव मिरर का समझ में आ गया अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा जहां जो दिक्कत होगी रे डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा, प्रैक्टिस है अपने को। ओके चलिए, अब कॉन्वेक्स का भी होगा इस तरह से, देखिए ये भी अपने कुछ रूल्स हैं, बाई कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसमें कुछ रूल्स हैं। अब इसमें क्या होगा, देखो
एरे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी व्हाट कमिंग फ्रॉम द फोकस। अब पैरेलल जा रही है, ये क्या होगी, बाउंस बैक होगी, लेकिन अगर इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो ऐसा लगेगा क्या होगा, ये फोकस से आ रही है। फिर से वही रूल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इट सीम्स टू व्हाट, फोकस से आ रही है लाइट पे, समझ रहे हो ना, ये पहला रूल होगा हमारा। अब यहाँ वर्चुअल इमेज की बात होगी, एक्चुअली क्यों होगा, क्योंकि लाइट रे अब अक्रॉस तो इसके जाएगी नहीं, पीछे ही रहेगी। अब देखो दूसरा, दूसरे में क्या है, रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द व्हाट सेम पाथ। अब इससे जाएगा ऐसा लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो रहा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वर्चुअली लग रहा है पास आउट हो रहा है तो जिस पास से गई है उसी पास से सेम क्या हो जाएगी, बाउंस बैक। फिलहाल ये वही केस है जिसमें क्या होगा, इसके साथ कितना डिग्री एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री, दूसरा रूल हो गया। थर्ड रूल की जब आप बात कर रहे हो, जब आप थर्ड रूल की बात करोगे तो थर्ड रूल क्या कहता है, रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऐसा लग रहा है कोई लाइट रे क्या है फोकस से पास आउट हो रही है तो क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फर्स्ट रूल देखो थर्ड के जस्ट अपोजिट है, ये किस वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है, बाकी रूल्स वही हैं। अब यहाँ वर्चुअल चीजें हो रही हो, वहाँ रियल में ऐसा हो रहा था, मतलब वर्चुअली इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि मिरर के आर पार तो लाइट नहीं जाएगी ना, यहाँ वर्चुअल इमेज की ही बात होगी और केवल एक ही दो केस ही होंगे इसमें, ज्यादा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे आ जाते हैं दोस्त, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट, फिर वही है जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी एंगल से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रूल की बहुत खास हमें जरूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन, बाकी स्टार्टिंग के तीन की हमें जरूरत होती है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी, उतने तीन को हमें याद रखना है। जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो तीन में से कोई दो रूल यूज करेंगे, दो रे यूज करेंगे बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बस पोजीशन याद रखिएगा, इमेज की साइज कैसी होगी, सारी चीजें ध्यान रखनी है और कुछ भी एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें देखिए यही रूल्स हमने सब साथ रख दिए इकट्ठा, तो हमने पीछे पढ़ाइए पैरेलल आ रही है तो क्या हो गई, फोकस पास होती हुई दिखेगी, और क्या है फोकस से पास होती आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ कर्वेचर, रूल की बहुत खास जरूरत नहीं, हमने पहले ही बता दिया, चार के चार रूल है, इन्हीं स्टार्टिंग के थ्री रूल्स को यूज करके ही हम फॉर्मेशन, और इसमें केवल एक ही केस है बहुत, बस ये ध्यान रखना है। जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मिरर के पीछे, कहीं भी रखो आप, चाहे कोई कहे पी पे रखें, कोई कहे एफ पे रखें, कोई कहे सी पे रखें, कहे कोई बियॉन्ड सी रखें, कोई कहे टू एफ पे रखें, कोई बस एक ही केस, एक ही तरह का इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट चाहे इस कॉन्वेक्स मिरर के जहां भी रख दें, इसमें केवल एक ही केस बनेगा, एक ही तरह की इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पर देख लीजिए इमेज किस तरह का बन रहा है भैया, यहाँ देख लीजिए इमेज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये है इमेज आपका, इरेक्टेड तो है लेकिन वर्चुअल है, क्योंकि लाइट रे क्या है मिरर के आर पार तो जाएगी नहीं, इसको भी आधे बढ़ा दिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, वर्चुअली क्या आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही है, बाउंस बैक हो जाएगी। जब इसको पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा ये कहाँ हो रही है, फोकस से पास हो रही है, कि दोनों लाइट रेस वर्चुअली जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वर्चुअली रियल में नहीं है क्योंकि लाइट आर पार तो नहीं जाएगी ना, इसलिए यहाँ पर कैसी इमेज की बात हो रही है, वर्चुअल। अपराइट का मतलब वही है इरेक्टेड, सीधा इमेज बनेगी। डिमिनिश का मतलब छोटा, छोटे साइज की बन रही है ना, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज कितनी छोटी बन रही है। और क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे एकमात्र ही केस मिलेगा हमें किसमें, कॉन्वेक्स मिरर, बाकी कॉन्केव में डिफरेंट डिफरेंट थे सब। अभी नहीं, रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना है अपने को, सारे क्वेश्चंस अपने, कभी कभी क्वेश्चंस आएंगे आप परेशान हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा अब किसी बच्चे के लिए क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के, हम मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि एक कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट हमारा मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर पर रखा है, तो इसके लिए इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वो इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम ड्रॉ करिए या शो करिए, दिखाइए कहाँ बनेगा कैसे बनेगा। अब ये केस कौन सा बना, अगर फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर होता हुआ तो 2f कितना हो गया हमारा, 2f का मतलब वही सी सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन हो गई हमारी, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर, अगर वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन 25 सेंटीमीटर दे रहे हैं इसका मतलब बिहाइंड 2f या बिहाइंड सी वाली क्वेश्चन है, बिहाइंड 2f लेंथ या फिर क्या है, क्या है ये बिहाइंड बियॉन्ड क्या है तुम्हारा, बियॉन्ड सी वाली सिचुएशन है, वही कैसे है तुम्हारा पोजीशन है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है या 2f लेंथ के भी क्या है पीछे है, ये वही वाला कैसे कि नहीं,
अभी 20 सेंटीमीटर ही दिए रहेंगे, 20 सेंटीमीटर दिए रहेंगे, इसका मतलब 2F पे ही है ऑब्जेक्ट। 2F का मतलब क्या है, C पे ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। तो कभी कभी डायरेक्ट ना बोल करना, इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू दिए रहेंगे आपको, रे डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा। बहुत स्मार्ट तरीके से सोचिएगा तभी आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे, रिलेट कर पाइएगा किस लेंस का क्या मतलब है, तब वो जाकर बनेगा। तो जिस बच्चे का ये क्वेश्चन था जहाँ 10 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर ये दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब ये कौन सा केस है, ये बियॉन्ड सी वाला केस है। कौन सा केस है ये, बियॉन्ड सी वाला केस है, ये सी के पीछे वाला केस है, ये बियॉन्ड सी वाला जो आपने पढ़ा है, या 2F लेंथ के पीछे वाले जो आपने केस पढ़े हैं, वही रे डायग्राम ड्रॉ करिएगा, सब वही आएगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में हो सकता है कि एग्जैक्ट आप बताओ कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है। चलो रियल इमेज बन गई, इन्वर्टेड बन गई हमारी, ठीक है, और भाई क्या बन गया, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बन गई, छोटी साइज की बनेगी, बहुत क्लियर है। वो केस देख लीजिएगा, पहले वाला केस जो कॉनकेव मिरर का है, लेकिन पूछेंगे पोजीशन क्या होगी, एग्जैक्ट उसकी डिस्टेंस क्या होगी मिरर से, तो कैसे निकालोगे, वही मिरर फार्मूला यूज करो आप, 1/f = क्या था मिरर फार्मूला है, 1/f = 1/v + 1/ और आपको f दिया है, u दिया है, d निकालना है, निकाल लीजिएगा। अब ये कॉनकेव मिरर है ये जानते हैं, और f और v क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, वैल्यूज रखो, f की वैल्यू क्या है 10 है, तो माइनस के 1/10 हो गया, d हमें निकालना है, u की वैल्यू भी क्या रखेंगे, माइनस में माइनस 1/25, ये निकालना है अपने को, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/25 के माइनस के 1/10 = 1/v, इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, 25 और 10 में एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 और 10 में बोलो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस के 3/50 इक्वल टू 1/v, या v इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 50/3 या माइनस के 16.67 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट माइनस के 16.67 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा मिरर से। बाकी रे डायग्राम रही, बस डिस्टेंस उतना दिखा देना, बस बियॉन्ड सी है या 2F डिस्टेंस के और पीछे है, तो इमेज कहाँ होगी हमारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, बस उसकी डिस्टेंस दिखा देना मिरर से कितना है, कि माइनस 16.67 या माइनस 50/3, दैट्स ऑल, इतना ही है और कुछ नहीं। कैसे ड्रॉ करोगे, चलो ठीक है वो भी बता देते हैं, ड्रॉ कैसे करेंगे, अब वही इमेज ले लीजिए अपना, दिखाइएगा, अब ये कॉनकेव मिरर है नहीं, बस वही है, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है, ठीक है, ये हमारा पी है, और ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर है भैया, बियॉन्ड सी की बात हो रही है तो ये है मान लेते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है हमारी, माइनस के 25, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में होंगे तो डिस्टेंस हमारा नेगेटिव होगा। इमेज फॉर्मेशन की सारी वीडियोस हमने लेंस की है, वी मिरर की मैग्नीफिकेशन के भी सब बना रखे हैं, अगर आपको आता है ठीक है, नहीं आता है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, फिजिक्स FMCC लिस्ट बना रखा है, वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशन ये सारे बता रखे हैं, मैग्नीफिकेशन का सारा कॉन्सेप्ट हमने एक एक करके डिटेल, सब समझ में आ जाएगा, इस तरह से दिखा दीजिएगा, कहीं भी इमेज ले लीजिएगा। अब दो लाइट रेज आपको यहाँ से पास करानी है, एक क्या होगा यहाँ से पास होगा, ये निकलेगा इधर से, दूसरा क्या होगा यहाँ से पास होगा, दूसरा क्या होगा, बताओ भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे भाई, ये जहाँ से जाएगा वहीं से क्या होगा, बाउंस बैक होगा, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेट कर रहे हैं वहीं हमें क्या मिलेगी इमेज, जहाँ पर इंटरसेट कर दिए वहीं हमें क्या मिल जाएगी इमेज, ये हमें इमेज मिल गई यहाँ पर। अब इसकी डिस्टेंस दिखा देना यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये डिस्टेंस आप दिखा देना, ये है, ये कितना है माइनस के 50/3, दैट्स ऑल, यही यहाँ पर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है अपनी इमेज है, बस सिंपल है चीज़ें, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए आराम समझ जाएंगे ये सब। देखो डिमिनिश्ड इमेज है, इमेज डिस्टेंस, नेचर इमेज फॉर्मेशन का वही रहेगा, बस जो डिस्टेंस आ रहा है वही डिस्टेंस मेंशन कर देना अपना, ओके, आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कोई दिक्कत होगी आइएगा, प्राइस पे बात, ओके डन, ठीक है फिर, थैंक यू, टेक केयर।